हेलो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं फैक्ट फ्री फायर के बारे में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप 12 साल से नीचे हो और फ्री फायर खेलते हो तो फ्री फायर मत खेलो, क्योंकि फ्री फायर एक ऐसा गेम है जिसमें छोटे बच्चे पागल ही हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि ये सिर्फ एक गेम है, वो इसको हकीकत समझने लगते हैं और इसमें टॉपअप से टॉपअप किए जाते हैं, जिससे वो अपने मम्मी पापा के अकाउंट में से बहुत सारे रुपए उड़ा देते हैं। आज हम ऐसे ही बच्चों की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 पर है एक 17 साल का लड़का जो रायगढ़ में अपनी माँ के साथ रहता था और उसके पापा जम्मू कश्मीर में नौकरी किया करते थे। तो ये बात है आज से 6-7 महीने पहले, जब अपने देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उस बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मोबाइल की, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। उसकी मम्मी ने उसको मोबाइल दिला दिया ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, लेकिन उसकी मम्मी को ये नहीं पता था कि उस मोबाइल में वो फ्री फायर खेलने वाला है। वो एक ऐसा लड़का था जो अपने दोस्तों के मोबाइल में फ्री फायर खेलता रहता था, इसलिए उसको फ्री फायर में पागल हो चुका था। फ्री फायर खेलने के लिए डायमंड बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उसने अपने दोस्तों से उधार लेना चालू कर दिया, क्योंकि वो 17 साल का लड़का था, उसके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था, इसलिए उसने उधार लेना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे उसका उधार 75,000 तक पहुंच गया। वो पैसे वापस नहीं कर रहा था, इसलिए उसके दोस्त ने उसको मौत के घाट उतार दिया, उसे मार दिया। हालांकि उसके मम्मी पापा को इंसाफ मिल गया था और उस लड़की को जेल हो गई थी, लेकिन जेल होने से क्या उसका बेटा वापस आ जाता। और ये बात है, एक लड़की ने 12 साल का लड़का था जिसने एक छोटी सी लड़की 6 साल की लड़की को पत्थर से मार दिया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की उसको रिवाइव नहीं दे रही थी। इस गेम को इतना सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि ये मेंटली हेल्थ पर भी अटैक करता है। और ये बात है इंडोनेशिया की, जब एक लड़का था जो सारे दिन फ्री फायर खेलता रहता था, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ फ्री फायर ही खेलता था, ना किसी से मिलना जुलना, सिर्फ फ्री फायर खेलता रहता था। तब उसकी मम्मी उसको डांटती थी, लेकिन उसको ये बहुत बुरा लगता था कि उसकी मम्मी उसको डांटती है। ये बात तो सच है, जब किसी का बच्चा गलत डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी मम्मी पापा तो डांटेंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जैसे ही स्कूल से आया, वो फ्री फायर खेलने बैठ गया, तो उसकी मम्मी ने उसको बहुत डांटा, लेकिन उसको इतना बुरा लगा, इतना गुस्सा आया कि उसने चाकू उठाकर माँ का कत्ल कर दिया। वो इतना पागल हो गया था फ्री फायर में कि उसको पता ही नहीं चला कि उसने अपनी माँ को मार दिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें।